सुबह की भागदौड़ में बहुत ही कम ऑयल में और बहुत ही कम टाइम में बनने वाला इतना हेल्दी और टेस्टी नाश्ता है, जिसे एक बार आप बनाओगे तो बार बार बनाने का मन करेगा। बहुत ही सिंपल तरीका है और बहुत ही वेजिटेबल डाल के हम इसे बनाएंगे। तो आप इसको बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हो, या फिर सुबह नाश्ते में, या फिर कभी भी आपको चटपटा खाने का मन कर रहा है तो आप इस तरह से बहुत ही कम ऑयल में नाश्ता बना के रेडी कर सकते हो। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, मैंने यहाँ पे थोड़े वेजिटेबल लिए हैं। तो मैंने यहाँ पे फ्रेश धनिया लिया है, पुदीना लिया है, फ्रेश मेथी ली है, फ्रेश गार्लिक, ग्रीन चिली और पालक लिया है। तो पुदीना, फ्रेश मेथी और पालक मेरे किचन गार्डन में होते हैं, तो उसी से मैंने लेके यूज़ किए हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम सारे वेजिटेबल को बारीक किस तरह से काट लेंगे। तो वेजिटेबल की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो, कि आप कितनी क्वांटिटी में बना रहे हो उतने हिसाब से आप ले सकते हो। लेकिन ये सारे वेजिटेबल बहुत ही हेल्दी है, तो बच्चे ऐसे ही खाना पसंद नहीं करते हैं, तो हमें कुछ ना कुछ जुगाड़ करना पड़ता है कि एक बच्चों को अच्छा और हेल्दी हम इसको खिला सके। तो इस तरह से आप बहुत सारी अलग अलग वैरायटी बना के बच्चों को आप लंच बॉक्स में दे सकते हो, या फिर कभी भी उसको हल्का फुल्का खाने का मन कर रहा है तो भी आप इसको बना के एंजॉय कर सकते हो। बहुत ही झटपट से बन जाता है और बहुत ही टेस्टी बनता है। तो हमने सारे वेजिटेबल को बारीक काट लिया है और इसको वॉश भी कर लिया है, ताकि इसमें कोई भी डस्ट होगी तो निकल जाएगी। अब मैंने यहाँ पे मेजरिंग जैसा कोई भी यूज़ नहीं किया है, मैं ऐसे ही मेजरमेंट के बिना ही बना रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे 3 बड़ा चम्मच बेसन लिया है। तो बेसन की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से ले सकते हो, कि आपको कितना बनाना है उतने हिसाब से। फिर हमने जो वेजिटेबल यहाँ पे काट के रखे थे वो डाल दिए हैं। फिर मैंने यहाँ पे 1 बड़ा प्याज लिया था, उसको भी बारीक काट के इसमें डाल देंगे। टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट डाल देंगे, 1/2 टेबल स्पून हल्दी, 1/4 टेबल स्पून हींग डाल देंगे, 1/2 टेबल स्पून धनिया पाउडर डाल देंगे और 1/4 टेबल स्पून मैं यहाँ पे रेड चिली पाउडर डाल रही हूँ, और 1/2 टेबल स्पून जितना अजवाइन को हम इस तरह से हाथों से क्रश करके इसमें डाल देंगे। अजवाइन से बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा और डाइजेशन में भी बहुत ही अच्छा रहता है अजवाइन। तो अच्छे से पहले हम ऐसे इसको मिक्स कर लेंगे, ये सब्जियों में भी थोड़ा सा पानी रहेगा, तो ऐसे ही पहले हम सब्जियों के साथ में ही बेसन को भून लेते हैं। तो ये इसमें प्रोटीन भी बहुत सारा रहेगा और कैल्शियम, आयरन सब वेजिटेबल में है, तो ये बहुत ही हेल्दी नाश्ता हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, हम थोड़ा थोड़ा पानी इसमें डालते जाएंगे और अच्छे से इसको मिक्स करते जाएंगे, ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे। तो एक ही साथ में हमें इसमें पानी नहीं डालना है, वरना इसमें गुठलियाँ पड़ जाएगी और बेटर हमारा अच्छा नहीं बनेगा, इसीलिए हमें थोड़ा थोड़ा ही इसमें पानी डालना है। तो इसी तरह से अच्छे से हम इसको मिक्स कर देंगे। तो हम इसका बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा हमें इसका बेटर नहीं करना है, इसलिए हम इसमें थोड़ा ज़्यादा पानी डालेंगे, क्योंकि हम इसका एकदम स्मूथ बेटर और थोड़ा सा पतला ऐसा बनाएंगे, ताकि हमें फैलाने में आसानी रहे। तो क्या करेंगे, इस तरह से इसको मिक्स करते जाएंगे और अच्छे से हम इसका एकदम स्मूथ बेटर बना लेंगे। तो आप देख सकते हो कि हमारा बेटर बन के रेडी हो गया है। तो ऐसे ही हमें इसकी कंसिस्टेंसी चाहिए, ज़्यादा हमें इसे पतला नहीं करना है। तो बेटर हमारा बन के रेडी हो गया है। अब तवा मैंने पहले से ही गर्म करने के लिए रख दिया था, तो तवा हमारा अच्छा से गर्म हो गया है। तो ये नाश्ता बहुत ही कम ऑयल में बन के रेडी हो जाता है। आप सिर्फ तवा ग्रीस करके फिर पोंछ के ऐसे ही आप इसको बनाओगे तो भी चलेगा, बिना ऑयल का भी ये नाश्ता बन के रेडी हो जाता है। तो मैंने बहुत ही कम ऑयल इसमें डाल दिया है। अब 2 बड़ा चम्मच मैं यहाँ पे बेटर इसमें डाल के इस तरह से फैला दूंगी, तो इसको ज़्यादा मोटा भी नहीं और ज़्यादा पतला भी नहीं, ऐसा हम इसको फैलाएंगे। इस तरह से अच्छे से इसको पैन में फैला देंगे, और ध्यान रहे कि तवा एकदम हाई नहीं रखना है, ज़्यादा गर्म होगा तो ये बेटर फैलेगा नहीं, आपको चम्मच में ऐसे ही चिपकता जाएगा और जल जाएगा। इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि मीडियम फ्लेम ही रखनी है, और एकदम हाई तवा गर्म हो तब हमें बेटर इसमें नहीं फैलाना है। तो हमने अच्छे से इसमें फैला दिया है,
तो आप साइज़ अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो, मोटा या फिर छोटा। ऊपर से भी थोड़ा सा हम ऑयल इसी तरह से इसमें ग्रेस कर देंगे, तो बहुत ही कम ऑयल में बन के रेडी हो जाता है। और पहली बार ही इसमें डालोगे, फिर जितने भी आप बनाओगे उसमें नहीं डालोगे तो भी चलेगा। अब क्या करेंगे, आधा मिनट के बाद हम इसको पलट देंगे और आप देख सकते हो दूसरी साइड कितना अच्छा ये सिक्के रेडी हो गया है। अब क्या करेंगे, दोनों साइड से अच्छे से ये रोशनी हो जाता तब तक हम इसे रोस्ट करेंगे उलट पुलट करके। तो आप देख सकते हो दूसरी साइड भी अच्छे से सिकने लगा है और वेजिटेबल भी बहुत ही अच्छे इसमें दिख रहे हैं, एकदम ग्रीन ग्रीन। तो उलट पुलट करके अच्छे से दोनों साइड से हमने इसको सेक लिया है और आप देख सकते हो कि हमारा नाश्ता बनके रेडी हो गया है। दूसरा भी मैं आपको इस तरह से बना के दिखाती हूँ। तो आप इसमें बहुत सारे वेजिटेबल और भी डाल सकते हो, आपको पसंद है तो कैरेट डाल सकते हो, टमाटर डाल सकते हो, पत्ता गोभी डाल सकते हो। और बहुत ही हाई प्रोटीन आपको बनाना है तो आप इसमें पनीर चीज़ भी डाल के आप इसमें बहुत सारे वर्जन आप इसमें बना सकते हो, अलग अलग जो भी आपको पसंद है वो डाल सकते हो। मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत सारे वेजिटेबल हेल्दी वाले जो मेरे किचन गार्डन में होते हैं वही डाल के मैंने इसको बनाया है। तो इसको भी हम उलट पुलट करके अच्छे से सेकने तक हम इसको सेक लेंगे। तो आप देख सकते हो दूसरा भी हमारा रेडी हो गया है। अब हम इसको सर्विंग प्लेट में निकालेंगे तो आप इसको दही के साथ एंजॉय कर सकते हो, बहुत ही टेस्टी लगता है। या फिर आप कोई भी चटनी के साथ एंजॉय कर सकते हो। तो आपको कैसी लगी है मेरी वीडियो मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताना।